क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज 6ab + 12bc। तो इस पॉलिनोमियल में हमें ये देखना है कि बोथ टर्म्स में कॉमन क्या है। तो 6 और 12 में 6 कॉमन होगा और ab और bc इसमें कॉमन है b। तो 6b कॉमन होने से फर्स्ट वाले टर्म में बचेगा ओनली a, और सेकेंड वाले टर्म में 12, 6 का टेबल में 6 × 2 = 12, और हमने b भी कॉमन लिया तो ओनली ये c बचेगा आंसर।